अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आज का दिन था मदर्स डे का, तो जी यहाँ पे जो है मेरे किचन सारा जो है समेट लिया था नाश्ता करने के बाद, और लाइट्स भी सारी ऑफ कर दी थी किचन की। फजूल में लाइट नहीं चलाते वरना मामा से जो है डांट पड़ जाती है। यहाँ पे जो है मैं अपना फेवरेट चैनल का फेवरेट ब्लॉग देख रही थी, और मुझे जो है इस टाइम के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ना मैं हैंड क्रीम लगा रही थी बर्तन धोने के बाद अपनी बहन की चुराई हुई थी, बिकॉज़ वाई नॉट। उसके बाद जो है यहाँ पे ना तामू मेरे लिए छोटा भरा है मेरा, वो यहाँ पे ना छोटी मोटी चीज़ें लेके आता रहता है रोज़ रोज़। तो आज जो है ये पता नहीं कोई मसाला पापड़ टाइप कुछ लेके आया था, और साथ में जो है वो कटी सी टॉफ़ी लेके आया था। तो ये जो है सब कुछ खा खू के तो है मेरा ना कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने मामा से पूछा और मामा को भी कुछ आइडिया ना आया। तो फिर जब मैंने फ्रिज खोली तो ड्रॉर में जो है फ्रिज के ड्रॉर में मुझे जो है मेलन पड़ा हुआ मिला, तो मैंने मामा से पूछ के जो है अपने लिए काट लिया था मेलन। और मुझे जो है मेलन बहुत पसंद है, मतलब मैंगो के बाद अगर कोई फ्रूट पसंद है तो आई गेस मेलन ही होगा, ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा सॉरी। तो यहाँ पे जो है मेरा मीठा खाने के बाद का दिल कर रहा है, तो उसकी क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए जो है मैंने अपने लिए जो है मेलन काट लिया था, और बहुत ही हेल्दी सी ऑप्शन थी मेरे पास। तो दूसरी तरफ जो है अनुषा चिकन कोरमा बना रही थी। आज का खाना भी जो है अनुषा ने बनाया था, पहले उसने बनाई थी बिरयानी, अगले दिन बनाया चिकन कोरमा। और मैं जो हूँ इंतज़ार कर रही थी कि चिकन कोरमा कब बनेगा और मैं कब खाऊंगी बेशर्मों की तरह, क्योंकि मुझे जो है कुछ बनाना आता नहीं है। कुछ बनाना आता भी है तो अनुषा को ही आता है, और मुझे जो है वो खाना आता है। तो यहाँ पे जो है अनुषा बहुत ही मज़े का चिकन कोरमा बना रही थी, चिकन वगैरह, दही और क्रीम वगैरह, मसाले वगैरह और जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स उसको चाहिए थे सब कुछ ऐड करके। और दूसरी तरफ जो है अनुषा केक भी बेक कर रही थी। आई एम सॉरी, अभी जो है केक सही तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं इन सबको भी इग्नोर करना, क्योंकि जब केक बेक हो रहा होता है ना, मतलब जब बेकिंग का जो प्रोसेस होता है ना उसमें यह चीज़ें जो है बिखर ही जाती हैं, तो सर जो है चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा सा। और अनुषा जो है बहुत ही मज़े का केक बना रही थी। उसके बाद हम लोग ने मामा को गिफ्ट दिए थे, और उसकी जो आवाज़ है ना वो मैं म्यूट नहीं करूँगी, तो आप लोग जो है देख लें। आपके नहीं ये मेरे लिए है, ये देखे मामा आप, ये मैं लाया हूं कप्स, मैंने आपके लिए लाया है, दिस इज ऑसम, दिस वन तीनों अलग-अलग है, जिसमें कुछ डाल के भी तो दो मुझे, चलो पहले तो पी ली वो ना ले जाओ, तो वो और ये भी कितना अच्छा ये एनीवेज बैक टू द वीडियो। अनुषा ने जो केक बेक किया था ना वो आप लोग देख सकते हैं। मैं सोने जा रही थी तो मुझे समझ लगी कि अनुषा ने जो केक बेक कर लिया था वो तो तैयार है, तो मैं जो है वो सोने से पहले केक ज़रूर खाया था, क्योंकि अगर आप लोगों को ना पता तो मुझे मीठा जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और केक मैं मिस करती थी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता था। तो जी मैंने केक खा लिया था, एंड देन वो केक जो है मैंने इन्जॉय किया था बहुत ही ज़्यादा। एंड देन सुबह हो गई थी, अगला दिन शुरू हो गया था, बाल ब्रश किए थे और फ्रेश हो गई थी। उसके बाद जो है नाश्ते की टाइम था, तो मामा ने कहा कि आपका जो मैंने आपको जो ड्यूटी दी है वो है आटा गूंदने की। या अल्लाह मेरा गला, तो मैं जो हूँ यहाँ पे आटा गूंद रही थी यहाँ पे मैं। ये लग बात था आजकल मुझसे सही तरह से आटा गूंद नहीं रहा, पता नहीं क्यों क्या मसला मेरे साथ, लेकिन इट्स ओके, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। और दूसरी तरफ जो है मामा ये बना रही थी सालन, यहाँ पे जो है गोभी प्याज और आई गेस टमाटर काट के जो है रख दिया था भूनने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं चम्मच मारी थी वीडियो बनाने के लिए, ताकि सबको लगे कि ये जो है सालन मैंने बनाया, बट ऐसी कोई बात नहीं, मामा ने बनाया था सालन, मैं इतना अच्छा सालन बना ही ना लूँ।
वैसे भी मैं कुकिंग में, बेकिंग में, इस तरह के कामों में अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे नाश्ता हो गया था, और नाश्ते के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि शेल्फ पे माशाल्लाह से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिखर गई हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाया था कि मैं कैसे कैसे सारा चीज़ें वगैरह से मिटती हूँ। चूल्हा भी काफ़ी गंदा था, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ किया था, एंड देन बर्तनों की बारी आ गई थी, और यहाँ पे जो है बर्तनों का जमघट्टा जो जमा हो जाता है बार बार, वो साफ़ किया था, अच्छी तरह से शेल्फ साफ़ कर दी थी, एंड देन कुछ पराठे बचे थे इससे पहले कि वो ज़ाया हो जाते और मेरा दिल टूट जाता ज़ाया होने पर। मैंने जो है उनको छत पर ले जा के पराठों को, तो है कबूतर जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनके लिए डाल दिया था ताकि वो खा लें, ताकि ज़ाया ना हो। उसके बाद जी यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि मामा को मदर्स डे के लिए मैंने तो कुछ दिया नहीं, तो क्या दूँ। तो मैंने सोचा कि कोकोनट कुकीज़ बना लेते हैं, और वो माशाल्लाह से इतने अच्छे बन गए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अजीब बने थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ उनका। मतलब मसला हुआ ये था कि ऊपर ऊपर से बिल्कुल सही बन गए थे, नीचे से जो है बहुत ही ज़्यादा ऑयली और बहुत ही अजीब हो गए थे। मुझे लगता है रीज़न इसकी यही थी कि मैंने जो है ऑयल मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐड कर दिया था। मुझे याद आ रहा है मुझे काम मिस्टेक हुई थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ऑयल जो है उसके साथ मैंने गलती की थी, और उसकी वजह से जो है मेरे कुकीज़ जो है बहुत ही फजूल बने थे, और मुझे जो है गुस्सा भी आ रहा था। बट देन मैंने जो है मैंने नुशा के साथ मिलके जो है इनको फ़िक्स किया, तो है अल्लाह करे कि अच्छी अच्छी सी। अब मतलब इस टाइम जो है सुबह का टाइम हो गया हुआ है, तो रात को जो है मैंने कोकोनट कुकीज़ बेक की थी ना, तो अभी जो है मैंने खाई हैं, तो इतनी भी बुरी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि खाई ही ना जाएँ, अच्छी हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ना खाई जाए, मतलब गुजारे लायक हैं और आप खा सकते हैं, बट इट्स लाइक टू क्रंची है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गई हुई हैं। और मतलब यही समझे कि जो कोकोनट कुकीज़ का था उसका जो है मोए मोए हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी प्यारी और मज़े की लग रही है, कोकोनट भी कितना क्यूट था, गोल्डन ब्राउन, बट नीचे से गंदी थी। बट दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो लाइक।